सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता: तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। मंगलवार को बीजेपी विधायक पर किसानों के साथ चक्का जाम करने पर एफआईआर दर्ज होने का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों की आवाज उठाने वाले बीजेपी विधायक के साथ वो भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाते हुए सोशल मीडिया पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार हिटलर शाही पर उतर आई है, जनता की आवाज कुचलने की कोशिश है। और जब किसान अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अभी कल ही सागर में हमारे विधायक नरियावली के प्रदीप लारिया जी ने जब किसानों की आवाज उठाई और किसानों के साथ धरने पर बैठ गए तो यूरिया तो उपलब्ध नहीं करवाया, उल्टे विधायक पर ही प्रकरण बना दिया। ये विधायक जनप्रतिनिधि है, विधायक पर प्रकरण बनाना जनता की आवाज कुचलने की कोशिश है, जनप्रतिनिधि को दबाने का कुत्सित प्रयास है। ये तानाशाही मानसिकता, ये हिटलरवादी मानसिकता जो कमलनाथ सरकार ने अपनाई है उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचल देंगे। प्रदीप लारिया जी के खिलाफ प्रकरण बनाया है। अब प्रदीप लारिया जी खुद गिरफ्तारी देने जाएंगे, उनके साथ हम भी जाएंगे। खाद दो या गिरफ्तार करो। दरअसल मंगलवार को किसान सागर के मकरोनिया में खाद और यूरिया को लेकर चक्का जाम किए हुए थे। उसी चक्का जाम में विधायक प्रदीप लारिया भी शामिल थे, जिसके बाद गणेश पटेल नाम के व्यक्ति ने विधायक प्रदीप लारिया और उनके समर्थकों पर मकरोनिया थाने में मामला दर्ज कराया था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर मामला दर्ज होते ही मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नरियावली विधायक प्रदीप लारिया एक जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज को कुचलना जनता की आवाज को कुचलने जैसा है। यह तानाशाही मानसिकता, यह हिटलर वाली मानसिकता जो कमलनाथ सरकार ने अपनाई उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुचलने वाली मानसिकता को कुचल देंगे। शिवराज सिंह चौहान यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विधायक प्रदीप लारिया खुद गिरफ्तारी देने जाएंगे और हम भी उनके साथ गिरफ्तारी देंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि या तो खाद दिया जाए या फिर गिरफ्तार करें। मध्य प्रदेश का किसान पहले से ही परेशान था, कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, गेहूं का बोनस अब तक नहीं दिया, सोयाबीन का, मक्के का, धान का बोनस किसान को मिला नहीं, मूंग और उड़द का बोनस नहीं मिला, राहत की राशि नहीं मिली। लेकिन अब तो हद हो गई, रबी की फसल के लिए यूरिया के लिए चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, रात रात भर किसान लाइन में लगा रहता है। अब तो बहनें लाइन में लग रही है, बच्चे लाइन में लग रहे हैं, तब जाके संगीनों के साय में एक बोरी दो बोरी खाद मिलती, दो दो तीन तीन दिन से लोग परेशान हैं। और जब किसान अपनी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अभी कल ही सागर में हमारे विधायक नरियावली के प्रदीप लारिया जी ने जब किसानों की आवाज उठाई और किसानों के साथ धरने पर बैठ गए तो यूरिया तो उपलब्ध नहीं करवाया, उल्टे विधायक पर ही प्रकरण बना दिया। ये विधायक जनप्रतिनिधि है, विधायक पर प्रकरण बनाना जनता की आवाज कुचलने की कोशिश है, जनप्रतिनिधि को दबाने का कुत्सित प्रयास है।
ये तानाशाही मानसिकता, ये हिटलरवादी मानसिकता जो कमलनाथ सरकार ने अपनाई है, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस कुचलने वाली मानसिकता को कुचल देंगे। प्रदीप लारिया जी के खिलाफ प्रकरण बनाया है। अब प्रदीप लारिया जी खुद गिरफ्तारी देने जाएंगे, उनके साथ हम भी जाएंगे। खाद दो या गिरफ्तार करो, किसानों के लिए किसी भी सीमा तक जाकर लड़ाई लड़ी जाएगी। हमें प्रकरण का और जेल का डर नहीं है। इमरजेंसी में हम उस समय की तानाशाही से नहीं डरे, जेलों में रहे। मैं प्रदेश के किसान भाइयों को भी आह्वान करता हूं कि अपने अधिकारों की लड़ाई को वो लड़े, मैदान में आए। भारतीय जनता पार्टी साथ है और प्रदीप लारिया जी के साथ हम खुद जाएंगे। गिरफ्तार करो या खाद दो, ये प्रकरण बना के ना डराए हमें। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर आवाज उठाए तो केस बनाएंगे, प्रकरण बनाएंगे। ये किसानों को डराने की कोशिश से सफल नहीं होगी। हम इसके खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता तिली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। तो संपर्क करें 9329427603, 7879281094।